घोसी विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार रविवार को समाप्त हो गया। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इधर भाजपा और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उधर उपचुनाव में मतदान से पहले बसपा ने बड़ा सियासी दाव चल दिया है। बसपाई या तो घर बैठेंगे और यदि बूथ तक जाएंगे तो नोटा दबाएंगे। बसपा के इस निर्णय से घोसी के सियासी रण में हंगामे जैसी स्थिति है, क्योंकि यहां 90,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं, जो किसी भी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। पिछले चुनाव में भी बसपा उम्मीदवार को यहां अच्छे खासे वोट मिलते रहे हैं। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार बंद हो गया है। 5 सितंबर को यहां मतदान होगा और इस चुनाव को सियासी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है, जिसके दो मुख्य कारण हैं। एक, दारा सिंह चौहान सपा छोड़कर फिर से भाजपा के साथ आ गए हैं और यहां के चुनावी रण में फिर से ताल ठोक रहे हैं। दूसरा, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हो रहे इस चुनाव को NDA बनाम इंडिया के रूप में देखा जा रहा है। चूंकि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को कांग्रेस और रालोद का भी यहाँ समर्थन मिल चुका है, इससे लड़ाई आमने सामने की हो गई है। दोनों ही गठबंधन इस बात को भली भांति जानते हैं। इस चुनाव को जो जीतेगा उसे इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। बसपा ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं कि पहले विधायकों को तोड़ने के लिए दल बदल कानून लाया गया, इससे दल बदल पर अंकुश लगा, पर अब नई बड़ी पार्टी शुरू हो गई है कि किसी भी सदस्य को इस्तीफा दिलाकर अपनी पार्टी में शामिल करा लो और फिर उसे चुनाव लड़वा दो। इसका भार जनता पर जाता है। ऐसे चुनाव का हम बहिष्कार करते हैं। हमारे लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जो लोग जाएंगे भी तो वो नोटा दबाएंगे। इस सीट पर बसपा के वोटर बड़ी भूमिका में हैं। बीते 3 चुनाव के नतीजे बताते हैं कि करीब 90,000 से अधिक दलित मतदाताओं वाली सीट पर बसपा की पकड़ अब भी मजबूत है। 2022 में यहां बसपा के प्रत्याशी वसीम इकबाल को 54,248 वोट मिले थे। वर्ष 2019 के उपचुनाव में बसपा के अब्दुल कय्यूम अंसारी को 50,775 वोट और 2017 में बसपा के अब्बास अंसारी को 81,295 वोट मिले थे। लेकिन इस बार सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।